डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेरठ से थाना जानी क्षेत्र के गांव किठोली क्षेत्र की माँ बेटी कमिश्नरी चौराहे से SSP ऑफिस आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल लेकर पहुंची। पीड़ित माँ बेटियों ने कहा कि थाना जानी क्षेत्र किठोली निवासी माँ बेटी दोनों पुलिस की दर दर 6 साल से भटक रही है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अगर पीड़ित महिला पुलिस कर्मियों के पास जाती है तो पुलिस कर्मी उल्टा पीड़िता महिला और उसकी बेटी को धमका कर भगा देते हैं, कोई सुनवाई और कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। आज माँ और बेटी पेट्रोल लेकर SSP कार्यालय पर आत्मदाह करने के लिए पहुंची। मौके पर पुलिस कर्मियों ने महिला के हाथ से पेट्रोल छीन कर जान बचाने का प्रयास किया। वही महिला ने कहा कि अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती है तो आत्महत्या कर मरना पड़ेगा। रेप पीड़िता ने यह जानकारी दी। लड़ाई सब रुक गई, अगर आज इंसान नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। पुलिस वाले ना सी गिरफ्तारी कर रहे हैं ना। कितने दिन पहले घटना है ये? 6 साल पुरानी घटना है। 6 साल पहले पुलिस का क्या कहना है? पुलिस वाले ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी गिरफ्तारी, पर कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। रेप पीड़िता की मां संतोष सैनी ने यह जानकारी दी। मेरा नाम संतोष सैनी है। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरी बेटी के साथ 2017 में बलात्कार किया था संजू और दरोगा ने। आज तक संजू की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 बार अभी तक कोर्ट से आदेश गए, NW जारी हो गया, लेकिन पुलिस वाले ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। SSP साहब के पास भी संज्ञान में है ये मामला, 2-3 बार आ चुके लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले ये क्या क्या चाल देते, जाओ कर लेंगे गिरफ्तार, यहाँ नहीं आओ संजू। तो मेरी बेटी को बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही। मैं अपने घर में रह रही हूँ क्योंकि मेरा भाई नहीं है, वहाँ तक कोई आदमी नहीं है। हम 3 ही महिला रहती है, उसी गांव का किठोली का संजू है, पुत्र तेजपाल। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। मेरी बेटी को 6 साल हो गए, कोई पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं। मेरी बेटी का अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और मेरी बेटी आत्महत्या कर लेंगे, मट्टी के तेल से नहीं करेंगे तो गाड़ी के नीचे कूद के करेंगे। लेकिन हाँ, संजू की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। एक माँ बताइए, 6 साल से वो फिर रही हो, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।